चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। मुझे टीचर नहीं पढ़ाते थे, बोलते थे कि मुस्लिम लड़कियां नहीं गांव से बाहर जाती, तुम भी नहीं जाओगी। जो मेरे साथ में हिंदू लड़की थी, टीचर केवल उन्हीं को पढ़ाते थे। मैं घर पर शिकायत करती थी कि मुझे पढ़ना है, तो पापा ने रिक्वेस्ट की कि मेरी लड़की आगे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन तुम इसे पढ़ाना। मेरे स्कूल से टीम जाती थी तो वहाँ पर भेदभाव होता था। जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स की थी उनको ज़्यादा छूट मिलती थी, और जो लड़कियाँ नॉर्मल पढ़ती थी उनको इतनी छूट नहीं मिलती थी। उनके बारे में जाना जाता है कि ये स्पोर्ट्स की हैं, तो मैं भी चाहती थी कि एक दिन मेरे नाम से भी कोई जाने। तो मैंने भी खेल ज्वाइन कर लिया और मैं पहली बार खेलने के लिए इलाहाबाद गई। तो जब मैं गांव में आई थी तो मेरे गांव में तूफान खड़ा था। यही अफवाह थी कि इसकी लड़की 7 दिन से गायब है। पापा ने मुझे परमिशन दी, कुछ भी हो मैं तुम्हें खेलने की परमिशन नहीं दे सकता, पढ़ना है तो पढ़ लो। उसके बाद मैंने सोचा जो मैं नहीं कर पाई एक दिन मैं अपनी समाज की लड़कियों को जरूर खिलाऊंगी। मेरे गांव में एक लड़की थी, हरिजन की थी। स्टेडियम खचाखच भरा था। एक काकड़े के कोच ने बोला था कि जीना थम भी देख लेंगे जिस दिन तू प्रतिभा को रेडर बना देगी। मेरी लड़की बोली मैडम जी जवाब मत देना। और मेरी कौन सा खेल? कबड्डी था। मेरी लड़की रात के 2 बजे से सुबह के 7 बजे तक भट्टे पे काम करती थी। वही मेरी लड़की 27 नेशनल खेल के 4 इंडिया कैंप करके आज पटना रेलवे में दानापुर में रेलवे में काम करती। छोटी सी थी जी, बड़ी टीम खेल रही थी जी। मैंने सोचा हुई थी जी मैं भी खेल लाओ। फिर हम क्या सोचे थे जी हम भी खेलो, मैडम फिर यहाँ से लाई थी। फिर हम खेलते खेलते जी 2 साल हो गए थे, कहने लगे जी माँ मेरा पापा जी कहने लगे थे जी पैसे बिरान होते हैं जो क्या करोगे तुम, कहने लगे जी हम कह लगे जी। फिर मेरे ताऊ चाचाओं क्या कहते जी रोडवेज में भाई छेड़छाड़ दिया लड़की ऐसी और हम दोनों खिलाओ ना घर बिठा दो जी। जी मेरे पापा जी क्या कहते मैं तो अपनी लड़की को जितना चाहूँगा उतना पढ़ाऊँगा, अपने लड़कों से भी ज़्यादा मानना है जी। मैं शुरू में तो अपना गेम कुश्ती चाहती थी। फिर जैसे कि मैं अपने मामा के जाती थी छुट्टी में रहने के लिए, तो वे कहते थे कि भाई अपना अनामिका तो तू कुश्ती खेल। पापा कहने लगे ना वो कुश्ती तो आसपास में है नहीं कहीं पे, हम मेरठ तो रहने से गए तुम। इसलिए फिर मुझे धीरे धीरे तीरंदाजी का पता चला। लड़की थी सिमरन, इससे पता चला मुझे। मैम ने भी बहुत फोर्स किया कि अच्छा कर और भी ज़्यादा, अभी तो कुछ नहीं है। शूटिंग स्टार्ट की तब जाके बहुत अच्छा रहा। और शुरू में ही मैंने बहुत थोड़े दिन ड्रॉ किया था, फिर भी स्कोर अच्छा रहा था मेरा। वाराणसी हम खेलने गए थे। काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के लिए, जीना तो एक प्रेरणा स्रोत है और इसकी इस भावना की मैं बहुत कदर करता हूँ। इसकी मेहनत और लगन को देखते हुए इस चीज़ का मैं कभी पाबंदी नहीं लगाई इस पर। उसके बाद मैंने खुद में ही घर में प्रैक्टिस कर करके देख देख के मैंने
लड़कियों को खिलाना शुरू कर दिया अपने गांव में। जहां भी ग्राउंड बनाती वहां पर लड़के पहुंच जाते। बहुत विरोध हुआ, बहुत ज़्यादा। ये लड़कियों को कहां दफ्तर में बिठावेगी, इनका काम घर का है, छोलने का है, लड़कियां कमाई कर रहा है क्या, इन सब ये सवाल थे सब। किस किस को जवाब देती। सपोर्ट में केवल ओनली पापा थे। अपनी जिम्मेदारी पर मैंने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। आज मेरे गांव से 3 बसें बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं। GNM मेरे गांव की लड़कियां कर रही हैं, UP पुलिस में मेरे गांव की लड़कियां हैं, BEd मेरे गांव की लड़कियां कर रही हैं, दिल्ली पुलिस में मेरे गांव की लड़कियां हैं। और फिर 2002 के बाद ही मैंने एकेडमी अपने गाँव में स्टार्ट की। मेरी 4 लड़कियाँ इंडिया कैंप कर चुकी थी, 3-3, 4-4 इंडिया कैंप करे उन्होंने, और पता नहीं नेशनल तो अनगिन खेले हैं। लेकिन मेरे पास सुविधाओं का बहुत अभाव है, ग्राउंड नहीं है, तो वे मुझे ग्राउंड अवेलेबल करा दे तो मैं और ज़्यादा लड़कियाँ, और ज़्यादा बच्चे, और ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत रखती हूँ कि मैं भेदभाव ख़त्म कर लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार हो, तो लड़कियाँ लड़कों से आगे जा सकती है। मेरी लड़कियों ने ये करके दिखाया है।